अब तक आपने देखा नंद यशोदा को बताते हैं कि गोकुल पर राहु की काली छाया पड़ी है। कान्हा सभी ग्वाल बालकों के साथ गोकुल वासियों से माखन मांगते हैं, किंतु कंस से भयभीत गोकुलवासी सारा गौरस आलम्भासुर को दे देते हैं। आलम्भासुर कान्हा तथा सभी ग्वाल बालकों पर दूध के छींटे उछाल उनका उपहास उड़ाता है। क्रोधित बलराम आलम्भासुर को दंडित करना चाहते हैं। अब आगे कहती है जो बुरा काम करता है उसे दंड अवश्य मिलता है, किंतु उचित समय आने पर। नारायण नारायण प्रभु, संसार में एक ऐसा अनर्थ हो रहा है जहां स्वयं परम अवतार श्री कृष्ण उपस्थित है, वहां ऐसा अत्याचार, ऐसा अधर्म। देव ऋषि, संसार में ये अधर्म, ये अत्याचार इसलिए क्योंकि लोगों के हृदय में भय है और इस भय से मनुष्य को स्वयं ही लड़ना होगा। नारायण नारायण, किंतु प्रभु इसलिए श्री कृष्ण का परम अवतार हुआ है ताकि वो मनुष्यों का इस भय से रक्षा कर सके। देव ऋषि, परम अवतार श्री कृष्ण का उद्देश्य मात्र लोगों की रक्षा करना ही नहीं, अपितु हर प्रकार से उन्हें सक्षम बनाना भी, ताकि भविष्य में वे किसी भी अत्याचार का सामना स्वयं कर सके। नारायण नारायण, मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। धन बुरा कर्म उचित समय। बालको, ये सब मनुष्य के लिए कहा जाता है, पर मैं तो यक्ष हूं, यक्ष, और वो स्वयं चलिया विष्णु भी तेरा कुछ अहित नहीं कर सकता। चलो रे, आज जा रहा हूं, कल पुनः वापस आऊंगा। तब तक स्मरण रहे भगवान कंस का नियम, दो मक्की दूध आराधा मुट्ठी अनार। हमें क्षमा कर दो, पापी कंस के कारण हमें सारा दूध और माखन उसे देना पड़ता है, जो दूध का सम्मान करना भी नहीं जानते। नंदरानी, पता नहीं हमारी गायों को क्या हो गया, सुबह से एक घास का तिनका तक नहीं खाया है। दामोदर जी, कुछ भी अकारण नहीं होता। रात को मैंने अपने घर पर राहु की छाया देखी थी, ये सब उसी के प्रकोप से हो रहा है। राहु का प्रभाव? अभी तो मेरे प्रभाव का आरंभ है, जब मेरा प्रभाव पूर्ण फलित होगा तो तुम्हें भयभीत होने का अवसर भी प्राप्त नहीं होगा। गायों को गुड़ अत्यंत प्रिय होता है नंदरानी, गुड़ से बने ये लड्डू खाकर गायों की भूख भी खुल जाएगी। दामोदर जी, आप ही लड्डू गायों को खिलाइए, मैं कच्चा कोयला लेके आती हूँ। कच्चे कोयले? नंदरानी, आप गायों को कच्चे कोयले खिलाएंगी? भूल बुद्धि दामोदर, गायों को खिलाने के लिए नहीं, अपितु राहु का प्रकोप कम करने के लिए। सुना है कच्चे कोयले से राहु का दुष्प्रभाव कम होता है। तब तो नंदरानी कुछ कोयले मुझे भी दे देना, पता नहीं इस राहु की दृष्टि मुझ पर कब पड़ जाए।
चलिए विष्णु, चलिए विष्णु। गोकुल के अनमोल रतन यशोदा के नंदन, तो यहाँ भी लंबा स्वर। मैं तो तुम्हें ये समझाने आया हूँ कि जिस दूध मक्खन को तुम लेके जा रहे हो वो गोकुलवासियों का जीवन है। सभी ग्वाले गौ माता और उनके पवित्र दूध का सम्मान करते हैं, इसलिए तुम्हें उनके सम्मुख दूध मक्खन का अपमान नहीं करना चाहिए था। तो ठीक बात, गोकुलवासियों के सम्मुख करते हुए संकोच हो रहा था तुम्हें, जो इस प्रकार चले आ रहे हो एकांत में अपना उपहास करवाने। भैया कहती है जो मनुष्य हिंकार वश सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता वो एकांत में कर लेता है, क्योंकि तब उसका अहंकार कुछ कम रहता है। ए बड़ बोले बालक, मुझसे ये टेढ़ी मेढ़ी बातें करके मेरा समय नष्ट न कर, मार्ग छोड़ दो मेरा, वरना मेरा घोड़ा तुझमें और इस मार्ग में अंतर करना भूल जाएगा। लंबा सर, भूल तो तू रहा है, अदन अधिक दिन तक नहीं टिक सकता। प्रतीक्षा करो, वो दिन आने ही वाला है जब गोकुल तो क्या संपूर्ण ब्रजमंडल तुम्हें दूध मक्खन की एक बूंद तक नहीं देगा। कौन रोकेगा मुझे, किसमें इतना तो साहस है? हम रोकेंगे तुम्हें। मनुष्यों के भगवान, देवताओं के रक्षक, तूने मेरी अमृता खंडित की है। अमृत पीने के बाद भी केवल मेरा शीश अमर है, किंतु आज मुझे अवसर मिला है तुझसे प्रतिशोध लेने का। तो इस संसार में जहां जहां भी जाएगा राहु अवश्य पहुंचेगा अपनी विनाश लीला करने। इस घर पर तेरी विशेष कृपा दृष्टि है ना विष्णु, तो तू बचा सकता है तो बचा ले, राहु की कुदृष्टि से बचा। नारायण नारायण, प्रभु पापी और अधर्मी कंस पूर्णता सोच विचार कर इस बार किसी असुर को नहीं अपितु स्वयं राहु को गोकुल भेजा है, क्योंकि कंस जानता है प्रभु कि राहु अमर है, उसका अंत नहीं हो सकता, और राहु आपसे प्रतिशोध लेने के लिए कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहता है प्रभु। अब क्या होगा प्रभु? देव ऋषि, राहु अमर अवश्य, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वह कुछ भी कर सकता है। अधर्म की भांति ही उसकी भी सीमाएं हैं, और वह अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जा सकता। ब्रजमंडल के सभी बड़े बूढ़े भगवान कंस के भय से कांपते हैं, और लगता है वहां के बच्चों में भारी बल है। तो तुम दोनों मुझे रोकोगे? किंतु अभी नहीं, उचित समय आने पे। अभी तो तुम ये मक्खन ले जा सकते हो, क्योंकि अभी हम तुम्हें रोक नहीं रहे। इस कृपा का कारण जान सकते हैं हम? कारण बस इतना है कि अभी तक हमने सोचा नहीं कि तुम्हें रोकना कैसे है ना कान्हा। कंस के सेनापति, अभी जाकर कह देना अपने महाराज कंस से कि दूसरों के अधिकार का भोजन करने से अपच हो जाती है। यदि अपच अधिक दिनों तक रहे तो आयु कम हो जाती है। कंस मामा से ये भी कह देना सेनापति। ये दोनों मुझे समझा रहे थे कि जो भी हो सबसे पहले मुझे ये मक्खन और दूध मथुरा पहुंचाना है, उसके बाद देख लूंगा इस वृषभानु छुरी और
नंद रानी के छोरे ने चला रहे। बस एक बार तेरी मुझे कुंडली मिल जाए, तेरे ग्रह नक्षत्रों की दशा विचार कर मैं तेरे जीवन में प्रवेश कर जाऊंगा। एक बार राहु किसी के जीवन में प्रवेश कर गया तो फिर उसे मारने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं अपने मृत्यु की कामना करने लगेगा। नंद जी नंद जी, जब से गोकुल लौटे बहुत ही तनावपूर्ण लग रहे हैं। आज मुझे उनसे बात करनी ही होगी। अवश्य ही कोई बात है जो वो मुझसे छुपा रहे, किंतु ये हैं कहाँ? नंद जी, कान्हा, तेरी कुंडली मिलते ही मैं सारा सत्य जान जाऊंगा। केवल एक जन्म के बारे में नहीं, तेरे सातों जन्म के बारे में, कि तू था कौन, कहां से भटकते तेरी आत्मा यहां तक पहुंची है, सब कुछ जान जाऊंगा। नंद जी नंद जी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो आप मुझसे मांग लीजिए, मैं दे देती आपको। मैं भी कभी कभी भूल ही जाता हूं कि मैं राहु नहीं नंद हूं, और इस घर में कुछ भी पाने के लिए मुझे कुछ भी खोजने की आवश्यकता नहीं है। नंद जी, आप पुनः कुछ सोचने लगे। नंद जी, आप ठीक तो हैं? जब से गोकुल लौटे हैं बहुत चिंतित लग रहे हैं। यशोदा, चिंता का ही तो विषय है। चिंता? कैसी चिंता? यशोदा, तुमने ही तो कहा था कि तुमने हमारे घर पर राहु की छाया देखी, और इसीलिए मैं कान्हा की कुंडली खोज रहा था कि समय रहते ये पता लगा सकूं कि उसकी कुंडली पर राहु का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है। हाँ नंद जी, आप सत्य कह रहे हैं। इससे पहले कि हमारे लल्ला पर कोई संकट आए, हमें उसे दूर करने का उपाय ढूंढ लेना चाहिए। तो लाओ कान्हा की कुंडली। नंद जी, आप भूल गए, लल्ला की कुंडली आप स्वयं गुरु गर्गाचार्य को देकर आए थे। गुरु गर्गाचार्य? कान्हा, भाग्य का बड़ा बलि निकला। नंद रानी, ओ नंद रानी। नंद जी, मुझे कोई बुला रहा है, मैं अभी आती हूं। कान्हा, अगर तू भाग्य का बलि है तो मैं दुर्भाग्य का देवता हूं। देखता हूं कि कब तक तेरा भाग्य तेरा साथ देता है। देखता हूं। और तुम इतने शांत बैठे हुए हो। हाँ गोपी, समस्या तो है, लगता है मैं गोकुल छोड़ दूंगा,
किंतु ये नछड़ी समस्या मुझे नहीं छोड़ेगी। ग्वाली, हम यहाँ तुम्हारी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं और तुम होके हमें ही समस्या समझ रहे हो। हमें नहीं करनी तुम्हारी सहायता, हम जा रहे हैं। ठीक है गोपी, अच्छे से जाना और तब तक मत रुकना जब तक बचाना ना आ जाए। ग्वाली, हम तुम्हारे जैसे नहीं जो किसी कार्य को अधूरा छोड़कर चले जाए। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम्हारी सहायता नहीं कर लें। ग्वाली, सबसे पहले तुम यह सोचने का प्रयास करो कि तुम्हारे कंस मामा इतने अधिक दूध मक्खन का करते क्या है। अब इतना सारा दूध कोई पी भी नहीं सकता और दूध कोई जल है ही नहीं जो उससे कोई स्नान करे। गोपी, तुम ना कंस मामा को नहीं जानती, वही करते जो किसी को नहीं करना चाहिए। भगवान कंस के, 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 भगवान कंस के। आशीर्वाद। लूट सको तो लूट लो कंसामृत की लूट, नहीं तो पीछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। पी लो, पी लो। मथुरा वासियों, ये आपका परम सौभाग्य है कि साक्षात भगवान कंस का चरणामृत प्राप्त हो रहा है, जिसे पीते ही आपके रोग शोक प्रेत बाधा सब दूर हो जाएंगे। बोलो, प्रजापालक परम दयालु भगवान कंस की। भगवान कंस की, भगवान कंस की, भगवान कंस की, भगवान कंस की। देख रहा है, देख सकता है तो देख, कंस धाम को मैंने क्षीर सागर बना दिया। पूरे मथुरा में दूध की नदियां बह रही हैं। धरती से आकाश तक एक ही स्वर गूंज रहा है, भगवान कंस की जय। चक्रधारी, छोड़ दे अपना हट, बन जा भगवान कंस का भक्त। स्वीकार कर ले मेरा आधिपत्य, इसी में तेरा और सृष्टि का कल्याण है। भगवान कंस की जय। भगवान कंस की, भगवान कंस की, भगवान कंस की, भगवान कंस की। भगवान कंस के सभी भक्तों को भगवान कंस का आशीर्वाद।